हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी जो ट्रेडिंग है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी, क्या कहते हैं, कल हमने गोल्ड का एनालिसिस किया था। नहीं, कल नहीं, परसों किया था। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो किस तरीके से ऊपर जा सकती है। एक तो ये था क्योंकि हमारा बिल्कुल परफेक्ट गया, जैसा हमने कहा था, जैसा मैंने आपको बताया था। पहले मार्केट ने इसे टच किया और फिर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था QML का। मार्केट ने अगेन इसको टच किया, ऊपर गई, प्रॉफिट भी हुआ इसके अंदर, ठीक है। और मैंने आपको एक और सिचुएशन बताई थी कि मार्केट यहाँ नीचे आ सकती है। ये जो हमारा क्या कहते हैं गैप है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ज़रा। ये हमारा जो एक अल्लाह भला करे स्ट्रक्चर है, मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये वाला एरिया हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कर रही है, देखें टेस्ट कर किया हुआ मार्केट, ठीक है। अब यहाँ क्या हो सकता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी भी काम कर सकता है, इसको हम जरा हटा देते, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब मार्केट इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे जो है वो टेस्ट करेगी। पहले हम जरा इसका चेक कर लेते हैं सेंटिमेंट। अच्छा, परसों आपने कमेंट किया था एक बंदे ने कि हमने फंडामेंटल चेक नहीं किया था। बाकी हमने फंडामेंटल चेक जो बिल्कुल ही रेंज से निकल गया था, हमने चेक नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे देख लें, मार्केट सेल की तरफ जो है वो जा रही है, ठीक है। फंडामेंटल खुल जाए, इसको भी देख लेंगे। पहले टेक्निकल की हम बात कर लेते हैं सिर्फ। मार्केट जो है वो मैंने आपको बताया था कि साइड वे के अंदर मार्केट जो है वो चल रही है। यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा जो है वो ये देखें, ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, ये वाला मैक्सिमम लेवल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम मार्केट ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट एक मिनट, मार्केट इसके नीचे जब क्लोज करेगी इसको, इसके ग्रीन है ना, बेकार लगता, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे मार्केट, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ से आके यहाँ तक आएगी। फर्स्ट तो मार्केट का ये है, ठीक है। और दूसरा जो सेलिंग सिनेरियो है वो आपके सामने, आपने कैच कर लिया होगा, वो है ये वाला, ठीक है। ये है हमारे पास 2023.13 और 2029.49 का ये एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया को एज अ लिक्विडेशन पॉइंट लेती है तो मार्केट जो है फिर यहाँ से आ सकती है इस तरीके, ठीक है। ये मार्केट का सेलिंग पॉइंट हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बाय का सिनेरियो जरा दिखा दूँ। वो हमने ये जो लास्ट टाइम मार्क किया था, ये सिर्फ H1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लास्ट टाइम भी ये मार्क किया था, मार्केट यहाँ आई नहीं थी, मैं आपको बताया था ये स्टिल वैलिड है QML, ठीक है। और यहाँ हमारे पास FTR भी है यहाँ पर। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो हमारे पास यहाँ तक के लिए एरिया मौजूद है, ठीक है। क्योंकि मार्केट साइड वे के अंदर है, ये लो है, ये मार्केट की हाई रेंज है। चांसेस मार्केट के ये हैं कि मार्केट इस एरिया को, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके यहाँ से, अगर मैं इसको मार्क करूँ यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट इससे नीचे भी लिक्विडेशन करती है तो हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है, 1976, ठीक है। तो ये हमारा गोल का हो गया।
कल हमारा बहुत बेहतरीन गया था यूरो यूएसडी, मेरे पास ऐसे मसाए में इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस हवाले से कि फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। ये देखें, यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर गई है, टेस्ट किया है। यहाँ पर मार्केट ने क्या अब सीन क्रिएट किया है, जरा फंडामेंटल देखने पहले। अच्छा जी, आज क्या तारीख है, 18 तारीख है ना, हाँ आज है, यूएसडी की न्यूज़ है बड़ी तगड़ी वाली। अच्छा जी, न्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे यूएसडी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें, प्रिडिक्शन ये है स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाला जॉब क्लेम, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तकरीबन 5,000 पॉइंट के ऊपर ये मार्केट जाएगी। और जॉबलेस क्लेम ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये सबसे अहम जो ये दो हैं, कंटिन्यूशन जॉबलेस क्लेम और इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में जो है स्ट्रांग होंगे। इनकी वजह से यूएसडी स्ट्रांग होगा, यूएसडी स्ट्रांग होगा इसका मतलब यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड ऑज यूएसडी, ये सारे के सारे नीचे जाएंगे। यूएसडी कैड, यूएसडी क्या कहते हैं, सीएचएफ, ये वाले जितने भी पेयर हैं जहाँ यूएसडी बेस करेंसी है वो ऊपर जाएंगे, जहाँ बेस करेंसी नहीं है वो नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट मजीद नीचे जाएगी, और नीचे के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई बनी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क नहीं करेंगे। हमारे पास नीचे तक और भी अभी गैप मौजूद है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको। अब हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है वो छोटा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे इसको, ठीक है जी। ये परफेक्ट हो गया, सेलिंग एरिया हमारा इंटेक्ट रहेगा, यही वाला 1.0938, ठीक है, इसको आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। और कल मुझसे इथेरियम का कहा था, काफ़ी टाइम नहीं बल्कि नहीं, कल नहीं, पिछले हफ्ते से 2-3 बंदे इथेरियम का कह रहे हैं। आज बिटकॉइन के अंदर आज कोई खास मूवमेंट है नहीं कल से ही, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे आज, आज हम इथेरियम कर लेते हैं। स्टैम्प सही है। अच्छा जी, इथेरियम का क्या सीन है, सही है, हैरानकुन तौर पर बाकी जो ऑल कॉइन है वो बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बिटकॉइन को फॉलो नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में ट्रेंड के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने आपको कहा था ना, इंतहाई इनप्रिडिक्टेबल मार्केट होती है क्रिप्टो की, तो बड़ा बहुत ध्यान से इसके अंदर चलना होता है। आप देखें सारे ऑल कॉइन अलग है, जो इथेरियम है ये ऑल कॉइन का किंग है, ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो में है, जो ऑल कॉइन है ना, ऑल्टरनेटिव कॉइन जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर सबसे उनका जो किंग है वो ये इथेरियम है, इसके पास प्रूफ ऑफ स्टेक। और लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सारे फॉलो कर रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं साथ ही, वो भी साथ ही ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल शायद मार्केट जो है साइडवे के अंदर है, तो मार्केट का जो पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे इथेरियम के अंदर। क्या हो गया, ठीक है, हम जरा थोड़ी सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया मार्केट के ऐप, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट है क्रिप्टो के हवाले से, अगर आप लोग काम करते हैं तो, ठीक है। ये इथेरियम, इसको खोलते हैं हम, मार्केट कैपिटल आप देखें इसका, एक दिन के अंदर ये 1 पॉइंट समथिंग गिरा है, ठीक है। मार्केट कैपिटल इसका अभी भी सेकंड नंबर पे है, 1 पॉइंट ये डेली का है। अच्छा, वॉल्यूम 24 घंटे का इसका, एक दिन का 8.07%, 8.07% जो है गिरा है, यानी ओवरऑल तो इसका जो कैपिटल है आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी, कि ऊपर की तरफ बहुत कम गया है, नीचे की तरफ ज़्यादा रहा है, काफ़ी टाइम से जो है नीचे की तरफ, तो हमें जो टेक्निकल दिख रहा है यहाँ पर ये एक्चुअली में नीचे की तरफ है, ठीक है। इथेरियम का जो मार्केट कैप है वो एक्चुअली के अंदर
जो है वो नीचे की ही तरफ। एक ऑल्ट कॉइन कैप है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था वो, उसको क्या नाम है उसका, काफी टाइम से मैंने किया नहीं है। और याद नहीं आता मुझे, पता नहीं, देख के बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जो ऑल्ट कॉइन का कैपिटल है वो इसके अंदर दिखता है पूरा, उसमें हम चार्ट भी दिखता है हमें पूरा का पूरा ना। बीटीसी मार्केट कैप, ठीक है ये बीटीसी का तो है, ये टोटल उसका है, मतलब अलग करें टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो का, ठीक है ये बीटीसी का है। हाँ मेरे ख्याल उसका इथेरियम का शायद हटा दिया, लिख के देखते हैं इथेरियम। हाँ यार सही है, इंडेक्स डोमिनेंस किया। ये मार्केट कैप है इथेरियम का, ये कहाँ पर जा चुका है ये देखें। इसमें डोमिनेंस तो अच्छा, हमने डेली का खुला हुआ ना, वन पे जाते हैं तो हमें ये कुछ इसी तरह का सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखें ठीक है। तो इसकी अब जो है वो मार्केट डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है बाय के अंदर है, सप्लाई वगैरह ऐसा खास है नहीं, बस मुझे यही देखना था, ठीक है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी नीचे है, यानी जो मार्केट में घूम रही है मौजूद है इस वक्त, वो भी यहाँ पर इसकी डाउन है। बीटीसी अभी तो बीटीसी ये देखें, बीटीसी डाउन है ना, तो सारे के सारे आपको डाउन यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। टीआरएक्स ट्रॉन थोड़ा ये सबसे बहुत घटिया ही है। अच्छा जी सही है, ठीक है दोबारा आ जाते हैं, जरा टेक्निकली हम देख लें। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ है, सप्लाई हम ऑलरेडी मार्क यहाँ कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये रही सप्लाई, यहाँ तक का हमारे पास जो गैप है वो अवेलेबल है, ठीक है। यानी मार्केट मजीद जो है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, आई थिंक मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मार्केट ने टेस्ट कर लिया, इस तरह मैं आपको बता रहा था कल ही कि मार्केट क्रिप्टो में स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। देखें मार्केट ने जोन टच नहीं किया, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर जरूर टच कर लिया। सीधा H1 में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लोअर 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 हाई, अब मार्केट का जो लोअर हाई है वो तब्दील हो चुका है, हायर हाई लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है। अब जो मार्केट का रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, पहले हम मार्क कर लें ज़रा हमारे पास कंडीशन क्या है। यहाँ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल हम इसी को मार्क करेंगे। ठीक है अच्छा, ये लाइन सीधी का किसी ने कल पूछा, मुझे अभी याद आया कि ये देखें टेढ़ी है ना, कोई सी भी लाइन हो किसी भी तरह की, आप सिंपल पकड़ के शिफ्ट दबाएंगे ना, ये देखें स्ट्रेट हो जाएगी, फिर आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका भी बता दूं कि ये भी इस तरीके से टेढ़ी होगी, सिंपल आपने पकड़ना है और शिफ्ट दबाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट होगी। एक कल किसी ने सवाल किया था कि आप कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। सेल का मैं आपको मजीद यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूँ, मार्केट में कोई ऐसी खास जगह नहीं है, वैसे 15 मिनट में हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इम्बेलेंस जो है मार्केट में छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल।
ये देखें क्लोज ऑफ करती हुई गई है मार्केट, जहां पे थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है हम इसको मार्क कर देते हैं, मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा, कुछ ज्यादा नहीं है, मार्केट बिल्कुल क्लोज ऑफ करती हुई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का कोई फायदा है नहीं। H1 पे आते हैं, कहाँ से हमें सेल मिल सकती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने अगर इस एरिया को टेस्ट कर लिया प्रॉब्लम होगी, वरना हम यहाँ से भी इसके नीचे से भी सेल कर सकते थे, तो सेफ पॉइंट हमारे लिए ये रहेगा कि मार्केट को अभी चलने देते हैं और ये मार्केट का रेंजिंग पीरियड है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट गए तो इस एरिया को टच करेगी। ठीक है, बाकी हमें यहाँ तक का वेट करना है मार्केट के, इससे नीचे तक ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक, और स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसमें कितना इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा एनालिसिस, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक प्रोजेक्ट मैंने शेयर करना है, वो मेरा अभी खुल नहीं रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज ही मैं वीडियो उसकी जो है शाम में, अगर अभी खुल जाएगा इस, पता नहीं सर्वर पे लोड है उसके, बहुत बेहतरीन है, फ्री के अंदर आपको वहाँ पे मिलेंगे कॉइन वगैरह, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ डिटेल के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।